फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज विपिन गुप्ता एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल सक्सेस जोन। हम लोग क्लास 12 का अलजेब्रा में मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे और फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके थे एंड इसके बारे में हम लोग समझ गए थे व्हाट इज मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिक्स। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और आरडी शर्मा का कुछ एक्सरसाइज भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ लेट किए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं ध्यान में है तो शायद ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, बट प्रॉपर्टीज भी बहुत इजी है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो जाके पहले वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, वहां पे पूरा प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया हुआ है। तो फर्स्ट वन इज 3 - 2 = 1, 4, ये पहला क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज कितना है 5.2 आरडी शर्मा का, पुराना एडिशन का है 5.2, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 - 2 = 1, 4 एंड -2 = 4, 1, 3। यानी क्वेश्चन इज सेइंग टू कंप्यूट द फॉलोइंग सम, इसको सम करना है। आपको पहले बताया सी एक चीज आपको ध्यान में रखना है क्या कि अगर हम सम करते हैं, इफ यू आर एड द मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देन द ऑर्डर शुड बी सेम, जो दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करने वाले हैं उनका ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए। आपको हम बताए थे कि एडिशन में सब्ट्रैक्शन में इन दोनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो जिसके साथ हम ऐड करने वाले हैं उनका भी 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद इनका सारा एलिमेंट के साथ में उसको ऐड कर देंगे एंड देन वी कैन फॉर्म अ न्यू मैट्रिक्स व्हिच इज द सम ऑफ बोथ मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए यहां पे बहुत ही बड़ी, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो फटाफट दोनों को ऐड कर दीजिए एंड देन 3 + -2 = 1, -2 + 4 = 2, 1 + 1 = 2, 4 + 3 = 7। कितना इजी था, बहुत सिंपल है ना। इसमें दो क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना लीजिएगा एंड देन सेकंड नंबर देखिए इसको मिटाते हैं ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, ये था फर्स्ट पार्ट जहां पे ऐड करने के लिए बोलता है। अब कुछ दूसरा आपसे पूछता है, इस तरह ए दिया रहेगा, तो मैट्रिक्स ए इज गिवन है व्हिच इज 2 - 4 = 3 - 2 एंड मैट्रिक्स बी इज आल्सो गिवन है, बी इज गिवन है 1 - 3 - 2 - 5 एंड सी इज गिवन है -2 - 5 - 3 - 4। ये आपका तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड द ऑर्डर ऑफ द ऑल मैट्रिक्स आर सेम 2x2, सभी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 में लिखा हुआ है। अब यहां पे पहला क्वेश्चन आपसे बोलता है फाइंड 2a - 3b एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग टू फाइंड b - 4c एंड द थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग टू फाइंड 3a - 4c। इस तरह का चौथा क्वेश्चन भी दिया हुआ है 3a - 2b + 3c, ठीक है। तो एक चौथा भी हम लिख देते हैं यहां पे, चौथा बोलता है 3a - 2b + 3c, then it is also very easy, then what we have to do this one। तो देखिए यहां पे 2a अगर निकालना हो 3b निकालना हो तो पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, then just find 2a, 2a equals means multiplication of 2, then multiply each element of the matrix A by 2, then after multiplication you got 2 by 2, 2 cross 2 then 4, 4 cross 2 8, 3 cross 2 6, 2 cross 2 4, okay, and we have to also find -3b, तो यहाँ पे 3b निकाल के रख लीजिए -3b, then 3b में we have to just multiply matrix B with -3, तब यहाँ b में हम क्या करेंगे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, then -3 × 1 it's become -3, -3 × 3 = -9, -3 × -2 = 6, -3 × 5 = -15, okay, and the question is saying to find -2a - 3b, पहला बोलता है निकालने के लिए 2a - 3b, it means we have to find 2a + -3b, ठीक है। तब 2a plus brackets के अंदर -3 × b, then what is the meaning of 2a here, the value of 2a is 4, 6, 8, 6, 4 and the value of -3b is -3 - 9, 6 - 15। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप केवल 3 से मल्टीप्लाई किए होते तो यहां पे आप सब्ट्रैक्ट करते, बट वी आर फॉलोइंग द सम एडिशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड बाय -3 एंड दैट्स व्हाई वी डूइंग हैव एडिशन नॉट सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते, यहाँ पे हम डायरेक्टली -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तब यहाँ पे एडिशन करेंगे, क्लियर। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 4 - 3 = 1, 8
minus 9, it becomes minus 1, 6 and 6, it becomes 12, 4 and minus 5, the 4 and minus 5, it becomes minus 11, okay? And this is the final result of 2a minus 3b. And the question is saying, next question is, b minus 4c, then see one thing here, यहाँ से आपका solution start हुआ था, है ना? 4c निकालना है, then find the minus 4c, तो minus 4c आप यहाँ एंड करके रख लीजिए, minus 4c equals क्या होगा? तो minus 4c means we have to just multiply c by minus 4 by c, है ना? minus 4 से multiply करना c matrix में, then minus 4 into minus 2 become it, minus 2 minus 4 into 5 it become minus 20, minus 4 into 3 it become minus 12, minus 4 into 4 it become minus 16, and the question is saying to find b minus c means we have to find b plus brackets minus 4c. Means what is the meaning of B here? The B matrix. Then find and the put B matrix, which is 1, 3, minus 2, 5. And what is the value of minus 4C? The value of minus 4C is 8, minus 20, minus 12, minus 16. अब करना कुछ नहीं है, simply आप इसको add कर दीजिए. Add the matrix है 8 into 1, it becomes 9, minus 20 and 3, it becomes minus 17. Minus 12 and minus 2, it becomes minus 14. Minus 16 and 5, it becomes minus 11. And this is the final sum of B minus 4C. यहाँ पे दिख रहा है कि subtraction है, but we have just multiply by minus 4 with the matrix C. That's why we're doing the addition law of here. If we multiply by only 4, then we have to do here subtraction. Means B minus 4C आपको करना पड़ता है. अगर आप यहाँ पे केवल 4 से multiply किए होते तो यहाँ पे हम माइनस फोर से मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए आप इसको क्या कीजिएगा, एड कीजिएगा. इट इज वेरी सिंपल. तो आप मेरे ख्याल से 3 और 4 ये बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं. करना कुछ नहीं है, 3 ये आपका निकाला हुआ है, मींस 3 आपको निकालना पड़ेगा, फिर एक बार 2 भी निकाल लीजिएगा और एक बार 3 से निकाल लीजिएगा, एंड देन सबको इस लॉ के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिएगा, एंड देन इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 3c. ठीक है, ये बहुत सिंपल था और ये कुछ दूसरा मेथड के जैसा था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the third number question of exercise 5.2 of Adisama, है ना? अब third number देखिए, third number क्या बोलता है? ये भी बहुत easy है, थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा. First is saying A, A में क्या दिया हुआ है? तो matrix A बोलता है 2, 3, 5, 7, and the matrix B is also given है, which is minus 1, 0, 2, and 3, 4, 1, and next is C is also given है, C is here minus 1, 2, 3 and 2, 1, 0. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका फर्स्ट A का जो ऑर्डर है वो कुछ अलग है. द क्वेश्चन इज सेइंग टू फाइंड A प्लस B एंड B प्लस A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू फाइंड 2B प्लस 3A, 2B प्लस 3A एंड 3C माइनस 4B, 3C माइनस 4B. Then see here one thing. We have to just remember the law of and properties of matrix. The properties क्या था सुनेंगे? Addition of matrix का अगर हम जैसे ही बात करते हैं, then we have to remember one thing that we have to follow the same order of the matrix. अगर matrix का order दोनों का बराबर नहीं रहता, अगर ये matrix है m cross n में लिखा हुआ और ये matrix है जो suppose k cross something n is written here. है ना, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, तो ना ही इसमें एडिशन होगा और ना ही इसमें सबट्रैक्शन होगा. ओके, मींस अगर फर्स्ट मैट्रिक्स m क्रॉस n क्या है तो दूसरा मैट्रिक्स भी m क्रॉस n का ही होना चाहिए. मींस द ऑर्डर शुड बी सेम. ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मींस एडिशन का प्रॉपर्टीज और सबट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज को नहीं लगा सकते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, एक जरा हल्का सा, है ना, इसमें क्या बोल रहा है, ए प्लस बी. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू फाइंड ए प्लस बी and next question is b plus a. Then see one thing, the order of the first matrix is 2 cross 2 and the order of the b matrix is 3 cross 2. Iska 2 cross 2 hai and iska 3 cross 2 hai, then the addition law is not exist in this case, hai na, since the order of matrix a is 2 cross 2 and the order of matrix B is 3 cross 2, so the addition law
डजंट एग्जिस्ट। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया ना। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका जो ऑर्डर है और इसका जो ऑर्डर है वो प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई द एडिशन एंड द सबट्रैक्शन लॉ इज नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई, यहां पे सैटिस्फाई नहीं होगा और लागू नहीं होगा। क्लियर, तो पहला आपको समझ में आ गया, इसको कुछ करना नहीं था। दूसरा बोलता है 2b+3 है, देन सी हियर 2b+3 है, 2b+3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b, फाइंड 2b, 2b व्हेन यू फाइंड 2b देन इट बिकम्स -2, 0, 4, 6, 8 and 2 and what is the value of 3a? Then find 3a. 3a is 6, 9, 15 and 21. And the see here one thing, the order of 2b and 3a is also not equal to each other, that's why the addition and the subtraction law is not going to be satisfied here. यहाँ पे ध्यान दीजिए 2b और 3a का भी order same नहीं है और इसलिए यहाँ पे ये दोनों exist नहीं करेगा। 2b plus 3a a doesn't exist. Doesn't exist. Why it not? Why it doesn't exist? Because the order of both matrix is not same. ठीक है? इन दोनों matrix का जो order है वो same नहीं है। तीसरा इसी का just बोला है 3c-4b. 3c-4b. Then 3c-4b. It is very simple. Then find the value of 3c. है ना? यहाँ पे थोड़ा मिटाते हैं हम। देखिए, इसको मिटाना पड़ेगा ना? उसके बाद ये आपको समझ में आ जा रहा होगा क्योंकि हम दोनों को ऐड क्यों नहीं किए, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा हमने दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं था। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज 3c-4b, देन फाइंड 3c, फर्स्ट 3c, 3c मींस वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 3 बाय ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स सी, देन इट बिकम -3, 6 and 9, देन 6, 3 and 0, एंड अगेन फाइंड -4b, वी हैव टू मल्टीप्लाई -4 बाय ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, देन इट बिकम्स 4, 0 and -8, it becomes -12, -16 and -4. ठीक है ना, ये मैट्रिक्स निकल गया 3c and -4b, and we have to find 3c-4b. Then it is very simple to find because the order of both matrix are same. Then we can easily add this one, है ना, हम इसको आराम से इसको ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड कर लीजिए है ना, और देखिए क्या करना है। 3c means -3, 6 and 9, 6, 3 and 0. And what is -4b? यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। Then it is 4, 0 and -8. It becomes -12, -16 and -4. After adding, you got see here one thing. -3 and -4, it becomes 1. 6 and 0, it becomes 6. 9 and -8, it becomes 1. 6 and -12, it becomes -6. 3 and -16, it becomes -13. 0 and -4, it becomes -4. And this is the new matrix of the sum of 3c+-4b, है ना? और ये बहुत इजी था, इन दोनों केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 4th। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, अगर वो जेक है तो भी आएगा, सीबीएसई वाले में भी आता है ना? तो करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। आपके पास अगर केसेस सिर्फ फॉलो करते हैं, अगर मंथली थिंग फॉलो करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एंड उसके बाद आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th भी एकदम बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, आप इसको खुद से कर लीजिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का, जो थोड़ा डिफरेंट है ना, कुछ अलग है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5th इज सेइंग इफ फर्स्ट इज अ डायगोनल इज गिवन है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन है व्हिच इज 2, -5, 9, एंड बी डायगोनल इज गिवन है, बी डायगोनल इज गिवन है व्हिच इज 1, 1, -4, एंड सी इज आल्सो गिवन है, सी डायगोनल इज गिवन हियर व्हिच इज -6, 3 एंड 4। क्लियर है? अब आपको यहां पे बोला है पहला निकालने के लिए a-2b, दूसरा निकालने के लिए बोला है b+c-2a, देन सी वन थिंग, वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग जिसका बारे में हम पहले पार्ट ए में बात कर चुके थे। क्या बात किए थे? तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स इन व्हिच द ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे अगर ये कोई यहां पे कोई मैट्रिक्स है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a33, a32, a33, दीज आर द मैट्रिक्स इफ द डायगोनल इज नॉन जीरो, है ना? ये जो डायगोनल है अगर ये नॉन जीरो होता है,
और रेस्ट एलिमेंट इनके जीरो होते हैं तो उसको हम बोले थे कौन सा मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब ये केवल एलिमेंट जो है वो डायगोनल में है और बाकी एलिमेंट उनका जीरो है। तो आप ए को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स ऐसे रहेगा, देखिए ये रहेगा 2 0 0 0 -5 9 0 0 एंड देयर विल बी 0 एंड देयर विल बी 0। अब इसको बी को भी ऐसे लिख सकते हैं, बी को ऐसे लिखिए कैसे जानते हैं 1 0 0 0 1 0 इट बिकम 0 0 -4 एंड जो सी है आपका वो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, सी को वो रहेगा -6 0 0 0 3 0 एंड इट 0 0 4। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। एंड देन सी वन थिंग व्हाट इज ए माइनस टू बी, अब ए माइनस टू बी यहां क्या बोलता है, देयर शुड बी अ 9, यहां पे 9 है ना, क्लियर, माइनस 4 नहीं था, ये 9 था। अब यहां पे एक बार देखिए ध्यान से क्या बोलता है कि हम लोग को निकालना है a माइनस टू बी, देन सी a माइनस टू बी, वी हैव टू फाइंड माइनस टू बी हियर, देन फर्स्ट फाइंड माइनस टू बी। माइनस टू बी बहुत ही सिंपल और बहुत इजी है, जैसे मल्टीप्लाई माइनस टू बाय इन मैट्रिक्स बी, देन फर्स्ट माइनस टू जीरो जीरो, देन इट इज जीरो माइनस टू जीरो, देन इट बिकम जीरो जीरो माइनस 18। क्लियर है, ये मैट्रिक्स को हम लोग लिखे ए को, फिर ये बी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स सी है, ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे सी वन थिंग है, इट इज 2 -5 9, दैट शुड बी 9, और ये बी मैट्रिक्स है यहाँ पे -4 है, यहाँ पे होगा -4। क्लियर, और सी तो ठीक है। अब देखिए करना क्या, माइनस टू भी आप निकाल लिए हैं, क्लियर, माइनस टू भी निकल गया है। अब इसको सेट कर दीजिए, फर्स्ट में क्या बोलता है, फाइंड ए माइनस टू बी, मीन्स वी हैव टू फाइंड ए प्लस माइनस टू बी, देन सी वन थिंग ए इज 2 0 0 0 -5 0 0 0 एंड 9, ओके, एंड माइनस टू बी इज -2 0 0 -2 बी, तो यहां पे होना चाहिए -a + 8, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे 0 -2 0 0 0 एंड 8, देन आफ्टर एडिंग यू गोट वन थिंग -2 एंड 2 इट बिकम 0 0 0 इट बिकम 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 0 हो गया, -5 एंड -2 इट बिकम -7, 0 एंड 0, देन 0 0 हेयर, फिर 0 0 9 एंड 8 इट बिकम 17, है ना। तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट इसका ए माइनस टू बी का। इसी तरह आपको यहाँ पे निकालना है एक नेक्स्ट मैट्रिक्स, और वो है b प्लस सी माइनस टू ए, देन b प्लस सी में तो ऐसा ही रहेगा, माइनस टू ए आपको निकालना पड़ेगा, देन फर्स्ट फाइंड माइनस टू ए फॉर सेकेंड माइनस टू ए, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस टू ए, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई माइनस टू इन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए, देन इट बिकम्स -4 जीरो जीरो, शायद यहाँ पे देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आपको, माइनस जीरो इट बिकम 10 जीरो 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 माइनस 18, ठीक है। अब देख लीजिए, है ना, अब करना क्या है, हम लोग को निकालना ये था b प्लस सी माइनस टू ए, मीन्स वी टू फाइंड b प्लस सी प्लस माइनस टू ए। अब देखिए यहां पे हम लिख नहीं रहे हैं डायरेक्ट, अच्छा लिख देते हैं, देखिए b का मान कितना है, b इज 1 0 0 0 1 0 0 0 -4, एंड व्हाट इज c, c इज हियर -6 0 0 0 3 0 जीरो जीरो फोर, एंड वट इज हेयर -2a, तो -2a भी हम जस्ट निकाले वो है -4 0 0 0 10 0 इट बिकम 0 0 -18, ठीक है। थोड़ा यहां देखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो यहां पे आप देख के थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब यहां पे कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ केवल सबको ऐड कर दीजिए, देन इट बिकम सी वन थिंग -4 एंड -6 इट बिकम -10 और +1 इट बिकम -9, ठीक है। अब अगर सेकंड एलिमेंट का बात करें 0 0 0 तो ये 0 रहेगा, फिर थर्ड एलिमेंट भी इसका 0 रहेगा। अगर हम 2a का बात करें, इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का 0 रहेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 4 और 10 14 0 0 एंड 0, दिस इज 0 0 0, दिस इज 0 0 0 एंड दिस इज -4 एंड 4 0 एंड इट्स -18, तो यहाँ होगा -18। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स आया, और वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जहां पे जो डायगोनल होगा वो रहेगा कितना, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं -4 14 एंड -18, डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स में हमको क्या करना पड़ता है, डी आई ए मीन्स डायगोनल ऑफ -6 3 4 ऐसे लिखना पड़ता है।
तो ये कुछ इस तरह का प्रोसेस में बना और ये बहुत ही सिंपल था। इस तरह का आपके पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे तीन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और तीनों को ऑर्डर से ना क्वेश्चन इज सेइंग टू वेरीफाई ए प्लस बी एन प्लस सी और फिर ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी बोलता है। मींस एसोसिएटिव लॉ को हमको यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखाना है। दैट इज वेरी सिंपल, दिस इज एलएचएस और दिस इज आरएचएस, देन फाइंड फर्स्ट एलएचएस। तो यहाँ पे आप पहले एलएचएस निकाल लीजिए। एलएचएस निकालने का मतलब है देन वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी एंड देन प्लस सी। देन फर्स्ट फाइंड ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आप यहाँ पे निकाल डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। तो डायरेक्टली आप ए प्लस बी को निकाल के लीजिए, 2 प्लस 9 इट्स बिकम 11 है ना। उसके बाद कितना होगा, 1 प्लस 7 इट बिकम 8, माइनस 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 इट बिकम 0, 3 3 6 माइनस 1 प्लस 5 इट बिकम 4, 0 एंड प्लस 6 इट बिकम 6, 0 2 इट बिकम 2, 2 1 3 एंड 6। क्लियर है, ये हुआ ए प्लस बी। एंड द मैट्रिक्स सी इज व्हाट इज इट इज 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 ताकि थोड़ा मीन शॉर्ट में बन जाए। अब क्या करना है, ए प्लस बी इन दोनों को एड कर देना, एट दिस वन दिस इज 11 एंड दिस इज 2 तो हो गया 13, 8 माइनस 4 बिकम 4, 0 एंड 3 बिकम 3, 6 एंड 1 7, 4 एंड माइनस 1 3, 6 एंड 6 2 and 9 11, 3 and 4 7, 6 and 5 11, ठीक है। ये निकल गया LHS, इसी तरह आप इसको RHS निकाल लीजिए। Then find here RHS, RHS is A plus B plus C, then find first B plus C, B plus C, B plus C कितना होगा, तीन दोनों को एड करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप एड करके रख लीजिए, 9 plus 2 11, 7 plus minus 3 becomes 3, माइनस वन प्लस थ्री माइनस वन प्लस थ्री इट बिकम्स टू, थ्री प्लस वन इट बिकम्स फोर, फाइव माइनस वन इट्स आल्सो फोर, सिक्स एंड जीरो इट्स सिक्स, टू एंड नाइन इट्स इलेवन, वन एंड फोर इट्स फाइव, सिक्स एंड फाइव इट्स इलेवन, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो करना कुछ नहीं है, देखिए ए का मान कितना है, तो ए इज गिवन है, व्हाट इज टू वन वन इट्स थ्री माइनस वन जीरो जीरो टू जीरो, ठीक है। इसके बाद इसका सी बी सी क्या है, तो बी सी इलेवन थ्री टू फोर फोर सिक्स इलेवन फाइव इलेवन, ओके। देन एड बोथ मैट्रिक्स, टू एंड इलेवन इट बिकम थर्टीन, वन एंड थ्री इट बिकम्स फोर, टू वन इट बिकम थ्री, थ्री फोर इट बिकम सेवन, माइनस फोर एंड वन इट बिकम थ्री, सिक्स जीरो एट सिक्स, जीरो इलेवन एट इलेवन, 5 टू 7 एंड 1 और 0 11। अब देखिए ये दोनों का एलिमेंट बराबर है या नहीं, देन वी कैन एबल टू सी दैट दिस इज 13 4 3 इट इज आल्सो 13 4 3, इट इज 7 3 6 इट्स आल्सो 7 3 6, इट्स 11 7 11 इट्स 11 7 11, देन यू कैन राइट हैंस LHS इज जस्ट इक्वल टू RHS, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इस तरह क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। अब एक नया क्वेश्चन अब आपको देते हैं, देखिए एक नया क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जहां पे आपको x निकालने के लिए देगा, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, एंड इट्स आल्सो वेरी इजी, है ना। इजी इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टीज पता है ना, प्रॉपर्टीज नहीं पता रहता तो यही हमको बहुत ज्यादा क्या लगता है, तो टफ लगता है। सी है वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इज 8। The question is saying to find x and the y matrix is given here. First y matrix is given, this is 3 2 1 4 and one matrix is given here, this 2x plus y, 2x plus y is given here, what is 1 0 minus 3 and 2, then see here. देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फाइंड x, हमको x निकालना है। अब यहां पे हमको y दिया हुआ है और 2x plus y दिया हुआ है। अब थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इन दोनों को पहले घटाते हैं, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में घटा देंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा। देखिए अगर फर्स्ट वी डू, यहां देखिए एक जनरल प्रोसेस, यहां देखिए 2x plus y है, अब इसमें से y घटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया। फिर जो आंसर आएगा उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल कर देंगे, कितना आंसर आएगा, x आएगा कि नहीं आएगा। देन वी हैव टू डू इन सेम मैनर, यही सेम काम करना है। करना क्या है, इसको पहले लिखिए और इसको पहले घटाइए, इन दोनों को पहले आप घटाइए, इन दोनों को घटाइएगा, उसके बाद जो आएगा उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे। दैट इज वेरी सिंपल, देन डू इन सेम प्रोसेस सेम मैनर।
then first find 2x plus y minus y. Then it is very simple to find. Then write 1, 0, minus 3, 2. We have to subtract with y, then it is 3, 2, 1, 4. क्या कीजिए इसको घटाइए. घटाने पर क्या होगा यहाँ पे? तो 1 minus 3, it will become minus 2. 0 minus 2, it will become minus 2. Minus 3 minus 1, it will become minus 4. 2 minus 4, it becomes minus 2. Clear? And then the question is, this is minus 2x. This is 2x, है ना? ये 2x निकल गया minus 2, minus 2. Minus 4 and minus 2. See, divide each element of matrix 2x by 2. देन यहां पे जो मैट्रिक्स 2x निकला हुआ उसमें हम सभी को 2 से डिवाइड करेंगे. सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे. देन सी वी हैव टू डिवाइड बाय 2. तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो सिंपली यहां ध्यान दीजिएगा कैसे होता है. इसको देखिए हम यहां क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे सभी मैट्रिक्स को 2 से. आपको पता है कि सभी मैट्रिक्स को हम 2 से दोनों साइड अगर डिवाइड करते हैं तो उनके कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है. देन वी हैव टू जस्ट डू डिवीजन, मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2. 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो सी वन थिंग, दिस इज 2x, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन बाय 1 बाय 2. एंड दिस इज द मैट्रिक्स, वी हैव टू आल्सो मल्टीप्लाई बाय 2, 1 बाय 2 ऑफ ईच मैट, ईच एलिमेंट. तो यहां पे ऐसे होगा कि ये हो जाएगा 2, 2 कैंसिल और ये हो जाएगा x, और यहां पे हो जाएगा माइनस वन, इट बिकम्स ऑल्सो माइनस वन, इट बिकम्स माइनस टू, इट बिकम्स माइनस वन, है ना? एंड दिस इज द मैट्रिक्स x, और ये रहा x मैट्रिक्स. यहां पे आप लिखे हैं डिवाइड ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स a मींस 2x बाय 2. यू कैन ऑल्सो राइट द वी हैव टू डिवाइड बाय 1 बाय 2. 1 बाय 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये बहुत सिंपल है. इसका भी मीनिंग वही होता है, इट इज ऑल्सो डिवीजन. वेन वी आर सीइंग हियर, देन दिस इज डिवीजन ऑफ 2, है ना? तो ये बहुत सिंपल था और ये x निकल गया. इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसमें थोड़ा कमांड कर लीजिएगा. देखिए इस तरह के और क्वेश्चन हम यहां बनाते हैं, है ना? और वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 9. इट इज आल्सो वेरी इजी, बट इक्वेशन में दिया रहता है. जब इक्वेशन में दिया रहता है तो पहले आप जनरल तरीके से उसको सोचिएगा, ठीक है? उसके बाद मैट्रिक्स में उसको आप बनाइएगा. जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहां पे, ये थोड़ा हटके है, हल्का सा. क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग फाइंड x एंड y. हमको x y दोनों निकालना है. तो दिया गया है, तो हमको दिया हुआ है 2x, दिस इज 6 माइनस 6 0 एंड माइनस 4 2 1. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है x plus 2y. द नेक्स्ट प्लस 2y इज 3 2 5 माइनस 2 1 एंड देयर इज माइनस 7. एंड सी वन थिंग हियर, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा. हमको बोलता है फाइंड x और y निकालिए. तो कैसे निकालिएगा? ये तो बहुत सिंपल वाला बात है, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं जितना आप सोच रहे हैं, है ना? करना क्या सोचते हैं, एक बार यहाँ पे आप जनरल तरीके से सोचिए कि हमको x निकालना है. x निकालने के लिए y को कराना पड़ेगा, तो y को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देख, सी दिस इज 2y एंड दिस इज ओनली y. तो एक चांस है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते दोनों एलिमेंट्स को, सभी एलिमेंट्स को, तो अगर आप 2 से सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं तो साइड यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद y में 2 हट जाएगा, एक y बचेगा. उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और केवल x बचेगा. एक ही तरीका होगा. दूसरा तरीका ये आपके पास है कि इस एलिमेंट को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. ये दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन बिकम माइनस 2. यहाँ भी माइनस 2 प्लस 2y है, ये दोनों को फिर ऐड करेंगे तो माइनस 2y और प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा और खाली क्या बचेगा? तो 2x, वहां पे 2x का टर्म्स में बचेगा, फिर हम निकाल सकते हैं. That is very simple. Then see one thing here. Multiply by 2. Multiply in matrix 2x minus y by 2 of each element. है ना? इसको 2 से multiply करना है. बहुत ही simple है. इधर आप 2 से multiply कीजिएगा. It is 2x minus y and it becomes 2. Then 6 minus 6 0 minus 4 2 1. आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन में करना क्या होता है, तो हमको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है. Then see, this is becomes 4x minus 2y and it becomes 12 minus 12 0 minus 8 4 and 2. Okay? ये आपका ही निकल गया. अब हमको क्या करना है, यहां पे ध्यान दीजिए. मेरे पास ये मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है. ये माइनस में है और ये प्लस में है. इन दोनों को एड करने के बाद वी कैन गेट 6x, then 8, 8,
8 matrix 4x minus 2y and x plus 2y. When you add the both matrix, you get 5x here, only 5x. Then add the both matrix. ये दोनों को ऐड कर लीजिए, है ना, ऐड कर लीजिएगा तो 12 माइनस 12 जीरो एंड माइनस 8 4 2 एंड हियर 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 एंड आफ्टर एडिंग यू गो व्हाट व्हाट इज माइनस 12 ऑल 12 एंड 3 इट बिकम्स 15 माइनस 2 माइनस 12 एंड 2 इट बिकम्स माइनस 10 0 एंड 5 इट बिकम 5 माइनस 7 एंड माइनस 2 इट बिकम माइनस 10 4 and 1 is 5, minus 2 and minus 7 means it becomes minus 5. Clear? ये आपके पास आ गया. The question is saying to find the matrix x. And x निकालना, 5x नहीं निकालना. तो करना क्या है? तो करना है ध्यान दीजिए. क्या करेंगे? यहाँ पे हम मेरे पास 5x equals आ गया. यहाँ देखिए, है ना? You can write here 5x equals this one. Then what we have to do? We have to multiply both sides by 1 by 5. When you multiply both sides by 1 by 5, then 5, 5 will be cancelled and you get the matrix X. Then multiply by 5, 1 by 5 in matrix X. Okay, matrix 5X. Yeh jo matrix 5X hai, isme dono side 1 by 5 se multiply kijiye. Then it is 5X. Yahan pe X hai, thoda dhyan dijiyega. Yeh X kar dijiye. Aur yahan multiply karna 1 by 5 se. And it is one also 1 by 5, to yeh ho jayega. यहाँ पे कितना 15, ये माइनस 10, ये 5, ये है माइनस 10, ये 5 और ये माइनस 5. हम जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इधर और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 1. ठीक है, और ये रहा मैट्रिक्स x. इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी इजी एंड द क्वेश्चन इज सेइंग टू फाइंड y आल्सो. तो y के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, घबराने का बात एकदम नहीं है. दिस इज x मैट्रिक्स एंड दिस इज x प्लस 2y एंड दिस इज 2x माइनस y. इसमें अगर करेंगे तो हमको 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उतना झमेला नहीं करना है. सिंपल सा बात है, ये अगर x प्लस 2y है तो अगर उधर x कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को इसके साथ में घटा दीजिए, सबट्रैक्ट करवा दीजिए एंड आफ्टर सबट्रैक्शन यू शुड डिवाइड बाय 2 मींस 1 बाय 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर वाई मैट्रिक्स आपका निकल जाएगा. और ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. तो ये बहुत इजी है ना, और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे तरीके से बनाने का. और आरडीएस मैट्रिक्स बुक में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप और कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जी हाँ सही सुने आप. और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा. ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू.